मिठी तुंद जग चानन होया सतगुरु नानक प्रगटिया। वेलकम बैक ऑन जियो कनाडा। आज बहुत ही खुशी का मौका, गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश उत्सव मनाती हुई सारी सिख संगत बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही प्यार से, और हम इस वक्त कनाडा के ब्रम्पटन में गुरुद्वारा सिख संगत रीगन रोड पर। गुरु की सेवा सफल है जे कोई करे चित लाए। और बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही प्यार के साथ गुरु घर में सेवा करते हुए गुरु के लंगर तैयार किए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे वीर, बहुत सारे स्टूडेंट भी और कर रहे हैं यहाँ पर दिल लगाकर सेवा। इन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया। और ये बहुत अच्छी मशीन एक लेकर आए हैं इन्होंने, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। देख प्रसाद का प्रसाद तैयार किया जा रहा है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनता है इससे। ये बहुत ही अच्छा इंतजाम, पूरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को शुक्रिया। और ये प्रताप सर सेवा करते हुए, और हमारे एक और वीर जो कि मशीनों द्वारा बना रहे हैं यहाँ पर प्रसादे, बहुत ही अच्छे तरीके से सुबह से ही लगातार सेवा का सिलसिला जारी है। क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर सिख संगत आएंगी आज, और दिखाता हूँ मैं आपको पूरा गुरु के लंगर भी काफ़ी सेवा के साथ, काफ़ी श्रद्धा के साथ बनाते हुए। और एक एक फुलका देखिए आप कितना अच्छी तरीके से फूल कर आ रहा है, और ये हमारी बच्चियाँ बैठ कर उस पर मक्खन भी लगा रही हैं, देसी घी, और बहुत ही सॉफ्ट रोटी आती है बनकर इससे, एक एक पीस बिल्कुल फूली हुई और पतली, काफ़ी श्रद्धा के साथ, बहुत ही प्यार के साथ। और ये देख सकते हैं आप,
कड़ी दाल भी थी इसके साथ, चावल भी हैं, प्रसादा भी और मीठा भी है, और उसको पैकिंग भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे सिख श्रद्धालु आएंगे। और ये बच्चे सेवा करते हुए इनका भी शुक्रिया तहे दिल से, और पूरी मैनेजमेंट टीम का गुरुद्वारे की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से बहुत प्यार के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम इनका। हमारी बच्चियाँ सब कर रहे हैं यहाँ पर मेहनत, लगातार पैकिंग कर रहे हैं सुबह से, क्योंकि संगतें लगातार दर्शन करके आ रही हैं। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इनका इंतज़ाम कि अपना पैकिंग कर करके रखते जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि लोग सब आ रहे हैं दर्शन करके तो सबको लंगर जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु नानक देव जी की तो प्रथा ही थी कि गुरु का लंगर उन्होंने ही स्टार्ट किया था। 20 रुपए वाला लंगर आज भी चल रहा है। हमारे सरपंच साहब और गिल साहब जो कि काफ़ी सेवा करते हुए यहाँ पर देख रेख करते हुए, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और ये स्टूडेंट हमारे जो कि काफ़ी सेवा कर रहे थे लेकिन भूख लगी है तो लंगर छकते हुए, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और देख सकते हैं यहाँ लगातार पैकिंग जारी है क्योंकि काफ़ी तादाद में, और मैं समझता हूँ लगभग हजारों की संख्या में होंगे। मैं आपको पार्किंग का भी दृश्य दिखाऊंगा, उसकी बहुत लंबी लाइन भी लगी हुई है। और जो सबसे अच्छी बात मुझको लगी है कि जितने भी श्रद्धालु हैं, जितनी हमारी सिख संगत है, गुरु नानक नाम लेवा हैं, गुरुद्वारे साहब आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही प्यार से और क्यू में लगकर दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इंतजाम यहाँ पर, हमारी बच्चियाँ भी गुरु के लंगर हॉल में लंगर की सेवा करते हुए पैक करते हुए, इनका भी शुक्रिया वीर जी का, ये भी सेवा करते हुए गुरुद्वारे घर में। श्रद्धालुओं का गुरुद्वारे साहब में आने का सिलसिला लगातार जारी है, गुरुद्वारे मत्था टेक कर अपनी हाजिरी लगवा कर वो आ रहे हैं दूसरी साइड से गुरुद्वारे साहब के लंगर हॉल की तरफ, और यहाँ से प्रसाद लेकर वो बाहर आ जाएंगे। और आइए आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारे के आउटसाइड, जो कि श्रद्धालु आप देख सकते हैं सिख संगत कितनी तादाद में लगातार उनका आने का सिलसिला जारी है। उसकी वजह भी आज कि यहाँ पर आज छुट्टी नहीं है, वर्किंग डे है, रात के 8 बज चुके हैं लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं है, आ रहे हैं लगातार, काफ़ी अच्छी खासी लाइनअप आपको दिखाई देगी। और हमारी पूरी जियो कनाडा की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक, और दिल से दुआ कि भगवान आपकी हर तमन्ना पूरी करे। जियो। नानक नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार, जो श्रद्धा कर सेंदे गुरु पार उतारन हार।